हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी से रिलेटेड जो सिलेबस है जूलॉजी का वो बताने वाली हूँ। और ये जो सिलेबस होने वाला है गाइस, ये है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा है उससे रिलेटेड। वैसे ये जो पीडीएफ है, ये इसके अंदर लिखा गया है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये नया सिलेबस यहाँ पे अपलोड किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो इसके थ्रू ये नया सिलेबस जो है वो अपलोड किया गया है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो, ये जो सिलेबस है, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन, यानी यूजी। जो भी बीएससी के स्टूडेंट है और स्पेशली जूलॉजी जिनके पास में है, मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उनमें ये सिलेबस लागू होगा। ठीक है, यही लिखा गया है इस पीडीएफ के अंदर। और ये लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि ये जो पीडीएफ है वो मैंने कहाँ से कौन से वेबसाइट से लिया है। ठीक है, सो देखते हैं। सब्जेक्ट जो है वो है जूलॉजी, और जूलॉजी में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तीनों का ही सिलेबस इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में जो है जूलॉजी के अलावा जो बॉटनी एंड केमिस्ट्री जो है उनका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी। और ये जो पीडीएफ है वो या तो जो वेबसाइट में बताऊं आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बीएससी जूलॉजी का सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो है वो दिया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा, एंड ऑल। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जूलॉजी में आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज, ये वाला थ्योरी पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा प्रैक्टिकल में सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेसिस लैब, ये प्रैक्टिकल होगा। देन सेकेंड सेमेस्टर में जो है वो है आपका सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ओके, प्रैक्टिकल के लिए फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हिमेटोलॉजी लैब। ओके, देन थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर के ऊपर आते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा थ्योरी पेपर के लिए। एंड प्रैक्टिकल के लिए बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब एंड ऑल। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होगा। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो है वो आपका सब्जेक्ट है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ओके, ये थ्योरी पेपर है और ये प्रैक्टिकल पेपर है। इन सब का डिटेल जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट इस पीडीएफ में मिलेगा। ओके, देन फिफ्थ जो सेमेस्टर है यानी थर्ड ईयर पे आ गए हम। ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नोन कॉर्डेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। साथ ही साथ इसमें दो थ्योरी पेपर दिए गए गाइस। ठीक है, तो सेकंड जो है वो है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी। देन प्रैक्टिकल आप ये देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। देन सिक्स्थ जो सेमेस्टर है उस पे देखते हैं कि इसमें फर्स्ट थ्योरी पेपर है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन सेकेंड थ्योरी पेपर है इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, एंड लास्ट में ये 6 सेम का प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, देन वन बाय वन करके मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। ये जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करके या तो प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना, तीनों ही साल में आपके काम आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम करना, अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो अपना अपना डाउनलोड करा लेना, बाकी पेज रहने देना। ठीक है, ये इसके कुछ आउटकम्स लिखे गए हैं कि ये वाला सिलेबस पढ़ोगे तो आपको क्या आउटकम मिलेगा। देन फर्स्ट फर्स्ट ईयर पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले हमने देखा था सब्जेक्ट साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज, और इसका क्या सिलेबस है,
फर्स्ट यूनिट ये है, ठीक है। डिटेल गाइस आप खुद देख सकते हो कि सिलेबस में क्या क्या है। ओके, देन सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, सेवंथ, एट्थ, आठ यूनिट जो है वो आपको इसमें पढ़नी है। ओके, देन आते हैं सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस पे। तो ईयर तो हमारा फर्स्ट ही है, सेमेस्टर कौन सा हो गया, ये भी सॉरी ये प्रैक्टिकल का है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस भी इसमें दिया गया है। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल्स का सिलेबस भी है यहाँ पे। देन आता है सेमेस्टर सेकंड, सेकंड सेमेस्टर, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा था अपना जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ ही यूनिट इसके अंदर है, ठीक है। देन इसका भी प्रैक्टिकल का जो है वो आ गया, जैसे कि यहाँ पे आगे हर एक प्रैक्टिकल के आगे लैब लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस देख सकते हो। देन सेकेंड जो ईयर है वो हमारा आ गया सेकेंड, सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट है और जिसका थर्ड सेम है वो ये सिलेबस देख सकता है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। जिसने भी जूलॉजी ले रखा है ना उसका यही सिलेबस होगा बीएससी, इसी में जूलॉजी, बोटनी और केमिस्ट्री में मेडिकल जो फील्ड है उससे डील कराती हूँ बीएससी बायोलॉजी के साथ में। तो मैं आपको यहाँ पे जूलॉजी का दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉटनी का सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। ओके, सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस जो है कंप्लीट। देन ये प्रैक्टिकल आ गया इसका सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम थर्ड सेम का। देन सेकेंड ईयर जो है वो फोर्थ सेम, इसमें कौन सा सब्जेक्ट आपका, जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इसका सिलेबस भी आप यहां से देख सकते हो, यहां से यूनिट स्टार्ट है, ठीक है। देन फोर्थ सेम का जो है प्रैक्टिकल का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। देन थर्ड ईयर में फिफ्थ सेम जो है उसमें कौन सा बुक है आपका, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, ये थ्योरी पेपर होने वाला है और इसका सिलेबस भी आप यहाँ देख सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, स्क्रॉल नहीं हो रहे। ओके, हो गया। देन यहाँ पे आप प्रैक्टिकल का देख सकते हैं। सॉरी आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, पीछे जो प्रैक्टिकल का नहीं था ये सिलेबस, और क्योंकि फिफ्थ और सिक्स सेम में दो थ्योरी पेपर है आपके थर्ड ईयर में, है ना, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल का देखने का मिलेगा। देन हम आते हैं सिक्स सेमेस्टर पे, सिक्स सेमेस्टर में आपको पढ़ना है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसका सिलेबस है यहाँ पे, और इसके अलावा एक थ्योरी पेपर और है। आप यहाँ देख सकते हैं इकोलॉजी, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये दूसरा थ्योरी पेपर है सेमेस्टर सिक्स का। सेमेस्टर सिक्स के लिए ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक है।
सो यहाँ पे ये 40 पेज का पीडीएफ था। ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ से लिया है, कौन से वेबसाइट से लिया मैंने। एक सेकेंड गाइस, इनफैक्ट वो फोटो में ओपन नहीं हो रहा है। खैर मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देती हूँ, dbrau.ac.in। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ से जो है वो मैंने सिलेबस लिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बॉटनी और केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, बीएससी का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।